आज हम पढ़ेंगे हल्दीज एडवेंचर। वन मॉर्निंग हैज हल्दी वॉक टू स्कूल, शी मेट अ जिराफ। हल्दी स्कूल जा रही थी एक दिन और उसको कौन मिला? जिराफ। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। शी स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। जब हल्दी को जिराफ मिला रास्ते में तो उसने क्या देखा कि वो जिराफ ने बड़े बड़े चश्मे लगा रखे थे और उसके हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी और वह हंसा और उसने हल्दी को कहा गुड मॉर्निंग। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, आई एम सॉरी टू स्टेयर। हल्दी ने क्या कहा वह कि मैं हल्दी उसको घूर के देख रही थी। शी सेड बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। हल्दी कहती है कि मैंने ऐसा जिराफ कभी नहीं देखा। तो माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ। तो जिराफ ने कहा क्या कहा कि मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, अगर तुम मुझे देखोगी तुम हंसोगी। हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू। देन शी रिमेम्बर, हल्दी क्या हुई? खुश हुई। लेकिन क्या हुआ? शी रिमेम्बर that she would be late for school, so she said to the giraffe. तो हल्दी ने क्या कहा कि मैं लेट हो रही हूँ, जिराफ को कहा। I would love to talk to you but I must rush to school or I will be late. वो कहती मैं तो आपसे बात करना चाहती थी लेकिन क्या मैं लेट हो रही हूँ। The giraffe said, not if you ride on my back. तो जिराफ ने कहा क्यों ना आप राइड मतलब होता है जिसे हम राइडिंग करते हैं। तो उसने बोला कि क्यों ना आप राइडिंग करो मेरे बैक पर बैठ के। इफ यू क्लाइम ऑन माय बैक, तो उसने बोला कि आप मेरी बैक पे चढ़ जाओ। आई विल रन सो फास्ट डैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। तो वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ और तुम्हें ऐसा लगेगा मैं बहुत तेज भागता, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम उड़ के स्कूल जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, वो कहता है जिराफ की तुम क्या स्कूल डेली जाती हो? यस सेड हल्दी, तो हल्दी ने क्या कहा? यस आई गो टू स्कूल ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल। तो क्या कहती है हल्दी कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को स्कूल जाती हूँ और सैटरडे को आई प्ले गेम्स एट स्कूल, कि हमें गेम मतलब खेल हमें गेम खिलाते हैं। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, वो कहता है कि व्हाट डू यू डू इन स्कूल, जिराफ कहता है कि आप स्कूल में क्या करते हो? आई लर्न अबाउट द स्टार्स ट्रीज द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। तो क्या कहती है हल्दी कि हम तारों के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं और बर्ड्स के और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। डैट इज गुड सेड द जिराफ, जिराफ कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू, कहता है मुझे भी किताबों से बहुत प्यार है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, तो कहता है इससे हमें बहुत सारा फन मिलता है मतलब अच्छा लगता है। नाउ जम्प ऑन माई बैक, वो कहता है कि मेरी बैक पे आप बैठो जम्प करके। आई विल टेक यू टू स्कूल, तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल पहुंचा दूंगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। उसने देखा कि मैं बहुत जब जिराफ के बैक पे चढ़ गई तो उसने देखा कि वो बहुत सारी चीजें देख रही थी टॉप से। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच द स्कूल प्लेग्राउंड, तो वो क्या हुआ अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंची। शी क्लाइम्ब डाउन, जब वो नीचे उतरी, वेन शी टर्न बैक टू थैंक्स द जिराफ, लेकिन जब वो नीचे उतरी जिराफ की मतलब बैक में से, तो क्या हुआ उसने देखा कि जब उसने पीछे मोड़ी तो देखा तो जिराफ को थैंक्स करने के लिए वो नीचे उतरी थी। तो क्या हुआ शी फाउंड डैट ही हैड गॉन अवे, तो वो क्या हुआ जिराफ वहां से चला गया था। ओह हल्दी थॉट व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, तो क्या हुआ उसने बोला हल्दी ने सोचा कि कितनी मतलब प्यारी एडवेंचर होती है जो हम कोई अद्भुत चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं एडवेंचर। तो
ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, तो इसके बाद हम करेंगे न्यू वर्ड्स। जिराफ, जिराफ का मतलब तो आपको पता ही है स्टूडेंट, जिराफ एक जानवर होता है जो मतलब जिसकी गर्दन लंबी होती है। देन सरप्राइज, सरप्राइज्ड आपको पता है कि सरप्राइज्ड हम जैसे किसी को सरप्राइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवेंचर, एडवेंचर आपको मैंने बताया था कि कोई अद्भुत हम चीज करते हैं तो उसको एडवेंचर बोल देते हैं। वंडरफुल आपको पता ही है कि जैसे हम वंडरफुल कोई अच्छी चीज होती है, ठीक है। उसके बाद प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड तो आप सबको पता ही है स्टूडेंट की प्लेग्राउंड हमारे स्कूल में होते हैं, हम खेलते हैं वहां पे। देन हम इसके अभी क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ गई थी, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, वो हल्दी जो जिराफ को घूर के क्यों देख रही थी। हल्दी स्टेयर एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ जिराफ लाइक हिम, उसके जैसा जिराफ उसने नहीं देखा था। देन हाउ डिड शी रीच स्कूल, वो स्कूल किस पे गई थी। शी रीच स्कूल बाय राइडिंग द बैक ऑफ द हॉर्स। देन इसके बाद है लेट्स टॉक वाले क्वेश्चन करेंगे हम। हाउ डू यू गो टू स्कूल, हम स्कूल किस पे जाते हैं। आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस या स्कूल वैन, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं हम। उसके बाद है वॉट डू यू वियर टू स्कूल, हम जब स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट हम क्या पहनते हैं। आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, आप इसका ये आंसर लिखेंगे। उसके बाद है हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेन ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट, मतलब हम स्टूडेंट हम मतलब कोई भी क्या हमने मतलब ऐसी कोई चीज स्ट्रेन देखी है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमने कुछ रास्ते में या ऐसी कोई चीज हमने देखी, तो आपको उसके बारे में लिखना, टॉक अबाउट इट। तो हम इसमें नॉर्मली हम ये आंसर लिख देंगे कि यस आई सॉ अ मंकी ऑन द स्ट्रीट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। देन ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको चैप्टर अगर समझ आया, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। ओके बाय स्टूडेंट।